नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सृष्टि। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। जी, पूरी दुनिया में कोरोना का कोहराम है। पूरे देश में अब तक इससे 7 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 430 लोग संक्रमित हैं। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में 13,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 3,00,000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हैं। इसके बावजूद भी लॉकडाउन की स्थिति का किसी पर भी कोई असर नहीं हो रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार ने 23 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पूरी दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, लेकिन लॉकडाउन की किसी को भी फिक्र नहीं है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर कि लॉकडाउन को भूलकर सभी लोग ऐसे ही बेफिक्र होकर घूम रहे हैं, किसी को भी किसी चीज़ का डर नहीं दिख रहा है। इस पर सख्ती जताई है। पीएम ने कहा है कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार कानून का पालन करवाए। केंद्र सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया है जिसके तहत अगर कोई लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जा सकता है। लॉकडाउन की स्थिति पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी लिखा। ट्वीट में लिखा है उन्होंने कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि जो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 10 राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन सोमवार के बाद यानी कि आज जो स्थिति देखिए उसमें कई जगह लोग सड़कों पर दिखे। दिल्ली नोएडा एक्सप्रेस वे पर तो सोमवार को सुबह जाम लगा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लॉकडाउन को गंभीरता से लेने को कहा। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि ये लक्ष्मी नगर का बाजार है और लक्ष्मी नगर का ये मेन मार्केट है और आप देख सकते हैं किसी को भी फिक्र नहीं है, सभी लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। और जो यहाँ पर बस चल रही है, बस में बेफिक्र होकर, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग बेफिक्र होकर बस में चढ़ रहे हैं कि उसमें पैर रखने तक की भी जगह नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली में दिल्ली सरकार ने मेट्रो बंद कर दिया है, लेकिन DTC बस में तो 25% चलाने की इजाज़त दी है, लेकिन उसमें भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त।